दोस्तों आज की कहानी है नंद जी। मैं भी आपके जैसा सूट पहनना चाहती हूँ। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। शादी के बाद आज पहली बार मीता अपनी हम उम्र ननद रितु के साथ शॉपिंग करने जा रही थी। गर्मियां आने वाली थी इसलिए रितु को कुछ गर्मियों में पहनने के कपड़े लाने थे। अपनी माँ से पूछकर रितु अपनी भाभी मीता को साथ ले गई। लोवर टी शर्ट पैंट और नाइट सूट लेने के बाद रितु की नजर एक सूट पर पड़ी। भाभी ये वाला सूट कैसा लग रहा है? एक हल्के फुल्के से सूट पर हाथ रख कर रितु ने अपनी नई नवेली भाभी से पूछा। बहुत सुंदर है रितु दीदी, प्योर कॉटन का लग रहा है, गर्मियों के लिए काफी कंफर्टेबल रहेगा। मीता ने अपनी रेशमी साड़ी के पल्लू को ठीक करते हुए कहा। रितु ने खुशी खुशी वो सूट उठा लिया। भाभी आप भी अपने लिए दो तीन कॉटन के सूट ले लो, आगे गर्मियों में काफी आराम मिलेगा। लेकिन दीदी या तो सूट पहनना अलाउड नहीं है ना? मीता ने सवालिया गांव से रितु की तरफ देखकर पूछा। पता नहीं भाभी, मम्मी ने मुझे तो कभी कुछ पहनने से नहीं रोका। आप ले लो, मैं मम्मी से बोल दूंगी कि आपको पसंद आ गया था। रितु की बात सुनकर मीता ने भी अपने लिए दो सूट ले लिए। घर आते ही मीता की सासू माँ ने सारा सामान देखना शुरू कर दिया। अरे रितु, इतने सारे सूट क्यों लेकर आई हैं? तू तो सूट कम ही पहनती हैं। मम्मी मेरे लिए तो एक ही हैं, बाकी के दो भाभी के लिए हैं। ये सुनते ही सुषमा जी की तैयारियां सड़ गई। हमारे खानदान में तुमने कभी देखा है किसी बहू को सूट पहने हुए? फिर तुमने भाभी को सूट कैसे लेने दिया? तुम्हारे पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि घर की बहुएं सूट पहने। रितु को अपनी माँ की ये बात बहुत बुरी लगी। वो हमेशा देखती थी कि भरी गर्मी में भी माँ और सासी रेशमी साड़ी पहनकर काम करती थी, लेकिन अब तो समय बदल गया है। फिर भी माँ की सोच नहीं बदली। माँ से तो बहस कर भी ले, लेकिन पापा को कैसे समझा एगी? यही सोच कर रितु चुप रह गई। बेसारी मीता को बेवजह सासू माँ के कोप का भाजक बनना पड़ा। वो सूट को सासू माँ के कमरे में ही छोड़ कर चली गई। अभी मीता की शादी को 3 महीने ही हुए थे। मीता सुबह 5 बजे उठकर
कर नहा धोकर ही रसोई में जाती थी, क्योंकि बिना नहाई रसोई घर में जाने का रिवाज नहीं था। किसी दिन देर हो जाती तो सब का मुंह फूल जाता था। वैसे तो मीता ग्रेजुएट थी, लेकिन कभी बाहर जाकर नौकरी नहीं की थी। सुबह से शाम तक घर के कामों में लगी रहती। इस बीच ऋतु की भी सगाई तय हो गई। अब तो बस घर में ऋतु की शादी की ही तैयारियां चल रही थी। अब कुछ दिनों से ऋतु भी सुबह जल्दी उठने लगी थी। बेटी को इतना जल्दी उठते देख ऋतु के मम्मी पापा उसे कहते, इतनी जल्दी क्यों उठ गई बेटा, थोड़ी देर और सो ले, नहीं तो कॉलेज में नींद आने लग जाएगी। लेकिन ऋतु फिर भी जल्दी उठ जाती और मीता के टाइम पर ही नहा लेती। आज सूरज देवता अपने पूरे सुमार में थे। भरी दोपहर में भी मीता साड़ी में लिपटी, हाथों में दर्जन भर सूड़ियां पहन कर रसोई में खाना बना रही थी। ससुर जी भी रसोई के सामने ही बैठे रहते थे, इसलिए पल्लू भी सर से नहीं उतार पा रही थी। तभी ऋतु अपने कमरे से निकली। अपनी माँ की साड़ी पहनकर उसने भी हाथों में दर्जन भर सूड़ियां पहन ली। उसे देखकर ऋतु के मम्मी पापा दोनों असंभित रह गए। भैया मीता के पति ने भी हंसते हुए कहा, ये क्या हुलिया बना रखा है, अभी बहुत वक्त है तेरी शादी में, अभी तो खुल के जी ले। नहीं भैया, अब से मैं रोज यही पहनूंगी ताकि मुझे भी आदत पड़ जाए, नहीं तो बाद में मुझे भी मीता भाभी की तरह परेशान होना पड़ेगा। ये सुनकर वहां सुपी सा गई। सभी उसका और मीता का मुंह देखने लगे। ऋतु ने फिर बोलना शुरू किया, माँ पापा आप लोग ही तो कहते हैं ना कि किसी चीज की पहले से तैयारी कर लो तो बाद में परेशानी नहीं होती। वैसे ही मैं भी पहले ही एक बहू की तरह रहने की तैयारी कर लेती हूँ, ताकि बाद में सास ससुर के सामने मुझे भी मीता भाभी की तरह परेशानी ना उठानी पड़े। गर्मी हो या सर्दी, एक बहू को तो ऐसे ही रहना चाहिए, है ना पापा। आज पापा के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था। वो भी अपनी पत्नी की तरफ देखने लगे। सब की नजरें झुक गई। उनकी अपनी बेटी ने ही आज उन्हें आईना दिखा दिया था। सच ही तो है, पिता के घर में पली बड़ी एक सुलबुली खुले माहौल में जीने वाली लड़की जैसे ही किसी के घर की बहू बन जाती हैं, उसे अचानक से आदर्श संस्कारी सबका मान
रखने वाली औरत मान लिया जाता है। यदि इन जिम्मेदारियों से थोड़ा भी इधर उधर हुई तो उसे बेशरम, संस्कारहीन और आलसी बहू का खिताब दे दिया जाता है। मीता के ससुर जी अपनी जगह से उठकर मीता के पास गए और बोले, बहू मैंने तुम्हारे पिताजी से वादा किया था कि हम तुम्हें भी अपनी बेटी की तरह रखेंगे, लेकिन हम भूल गए थे। आज हमारी बेटी ने हमें ये बात याद दिला दी। अब से तुम जैसे अपने पिता के घर में रहती थी वैसे ही यहाँ भी रहोगी। मीता की आंखें सल सला गई और वो रितु के गले से लग गई। रितु भी बहुत खुश थी कि अपने विदा होने के पहले इस घर को एक और बेटी मिल जाएगी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।